सभी को हनुमान जयंती जन्मोत्सव की बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जिस तरह से दिल्ली के अंदर जहांगीरपुरी इलाके में जो सांप्रदायिकवादी ताकतों ने, जो उपद्रवियों ने हनुमान जन्मोत्सव पर निकाली जाने वाली शांतिपूर्ण ढंग से उस शोभा यात्रा के ऊपर जो पथराव किया, वो मात्र एक संयोग नहीं, एक बहुत बड़ी साजिश है। और इस साजिश की भारतीय जनता पार्टी बहुत निंदा करती है। जो भी इसमें दोषी है, जिन्होंने दिल्ली का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, जहांगीरपुरी इलाके में पथराव किया शोभा यात्रा पर, उनको सजा मिलनी चाहिए और दिल्ली पुलिस उस काम को जरूर करेगी। और मैं स्वयं भी माननीय गृहमंत्री जी से भी बात करूंगा। लेकिन सवाल उठता है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार जिस तरह से आए दिन दिल्ली के उन इलाकों में अनुथराइज कॉलोनी के अंदर, जहांगीरपुरी हो या जमुना पार हो या दिल्ली के ऐसे इलाके जहां पर बहुत कंजेस्टेड आबादी है, वहां पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी बड़ी संख्या में घुसपैठ कर रहे हैं और दिल्ली सरकार उनको बिजली के कनेक्शन, पानी मुहैया करा रही है। तो ऐसे में दिल्ली सरकार की भी ये जवाबदारी है कि उन लोगों को, ऐसे सांप्रदायिक उपद्रवियों को वो संरक्षण क्यों दे रहे हैं। और ये जब ऐसी घटनाएं होती है तो ऐसे लोगों के संरक्षण के नाम किसका आता है? आम आदमी पार्टी का आता है। चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में दंगे हुए, उस दंगों का मास्टरमाइंड कौन था? वो आम आदमी पार्टी का नेता ताहिर हुसैन था, अहमदुल्ला काते। और इस तरह से ये जो घटनाएं हो रही हैं, इसका भारतीय जनता पार्टी बहुत निंदा करती है। और मैं सभी दिल्ली वासियों से, जहांगीरपुरी के निवासियों से शांति बनाए रखने की अपील करता हूं। और इसके साथ ही साथ मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी एक कार्यकर्ताओं का डेलीगेशन वहां जाएगा और परिस्थितियों की वहां की जांच करेगा और दिल्ली पुलिस उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करके उनको सजा दे, इसकी भी मांग करता हूं। देखिए, वो मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, लेकिन जिम्मेदारी कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। आज तक पूछना चाहिए इनके पास विभाग कौन सा है दिल्ली सरकार में और उसकी आउटपुट क्या है, क्या आउटकम है उसकी, जरा पता तो चले। और दूसरा, दूसरे राज्यों में जाकर अधिकारियों की बैठक लेना, ये संघीय ढांचे पर एक प्रहार है। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी आए थे, वहां पर इनकी नाकामयाबियां रही, सारी सीटों पर जमानत जब्त हुई और यहां पर अपनी सरकार चला नहीं पाते हैं और ठीकरा किसी और पर फोड़ने का काम करते हैं। ये जो वोट बैंक की राजनीति के कारण ये लोग देश में इस तरह का वातावरण पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं यही कहना चाहता हूं, ये नफरत के बीज बोने का काम जो विपक्षी दल कर रहे हैं अपनी राजनीतिक नैया को डूबने से बचाने के लिए, ये देश की जनता बड़े ध्यान से देख रही है। इनके कारनामे जनता ने पहले भी देखे, इनको पहले भी नकारा है और आगे भी जनता नकारेगी। शोभा यात्रा पे हुआ पथराव बड़ा ही दुखदायी है, ये दिल्ली की सोच और दिल्ली के कल्चर के खिलाफ है। मैं सभी से अपील करता हूँ कि शांति बनाए रखिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के जन्मोत्सव पर पथराव हुआ है। हमने अभी अभी वहां के पुलिस अधिकारियों से भी बात करी, एडिशनल DCP मौके पे मौजूद हैं, उनसे भी बात हुई। ये घटनाएं जो हैं, ये अचानक नहीं हुई हैं, साजिश के तहत हो रही हैं। पुलिस तत्काल इसकी जांच करे और दोषियों को सख्त से सख्त सजा हो। हालांकि वहां की स्थिति अभी सामान्य हो रही है, लेकिन जिन लोगों ने पत्थर फेंके हैं, जो लोग दिल्ली में साजिश के तहत हिंसा फैलाना चाहते हैं, ऐसे लोगों की कड़ी जांच होनी चाहिए। मैं समझता हूं जहां से पत्थर आए हैं, जो भी दोषी है, उनके घरों की भी चेकिंग होनी चाहिए। उनके घरों में हथियार तो नहीं है, उनकी ID क्या है? मैं समझता हूं इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये लगातार जो घटनाएं हैं वो बहुत ही साजिश के तहत हो रही हैं, ऐसा हमें पूरा विश्वास लग रहा है। और मैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से भी निवेदन करूंगा कि ये समय घटना से पल्ला झाड़ने का नहीं है, जिम्मेदारी से भागने का नहीं है, मिल करके ऐसी घटनाओं में दोषी को सजा दिलाने के लिए आगे आना चाहिए। सर, सद्भाव बनाए रखिए, स्थिति नियंत्रण में है और जो दोषी होंगे उनको सजा अवश्य मिलेगी। शोभा यात्रा पे हुआ पथराव बड़ा ही दुखदायी है, ये दिल्ली की सोच और दिल्ली के कल्चर के खिलाफ है। मैं सभी से अपील करता हूँ
कि शांति बनाए रखिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।